नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को बता दूं कि झांसी के अंदर राकेश राय जी जो कि हंसारी के अंदर जनकपुरम कॉलोनी में रहा करते हैं, जो कि पुरानी पुलिस चौकी के यहाँ, इनके एक देखी जा रात में एक ऐसी घटना घटी है जो कि वाकायदा हेलमेट लगा के एक युवक गाड़ियों से आके जो कि गाड़ियों से ताबड़तोड़ फायरिंग इनके घर पे की गई है। जानते हैं इनके बेटे से कि पूरी कहानी है क्या, क्या हुआ है, पूरा मामला बताओगे? जी, मैं अपने घर के बाहर बैठा था, जैसे अभी अपन लोग बैठे हैं, ऐसी कुर्सी डाले बैठा हुआ था, तभी एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति आया, आगे रुका, फिर जाके मेरे घर की ओर आगे रुका, फिर आखिर में आगे वो इधर पे रुका, उसके बाद वो गाड़ी से उतर के आया, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, पता नहीं कौन होगा कोई, उसके बाद उसने मेरे घर की तरफ देखा, फिर उसके बाद थोड़ा आगे चल के आया पैदल और उसने फायर शुरू किया, तो दो फायर सीधे मुझे छूते हुए दीवार में जाके लगे। उसके बाद हम लोग जो मेरे साथी भी मेरे मित्र बैठते मेरे परिवार वाले भी बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने भाग के अपनी जान जैसे तैसे जान बचाई और मैं अपने इधर बाड़े में भाग गया और मेरे मित्र वहाँ पर भाग गए। उसके बाद हमने 100 डायल को फ़ोन किया, तत्काल चौकी प्रभारी को फ़ोन किया, मौके पर क्षेत्र अधिकारी सदर भी आए और चौकी प्रभारी इंस्पेक्टर प्रेमनगर भी आए, उन्होंने जाँच की और CCTV कैमरे में भी वो थोड़ा उसकी कैद हो सकी, वो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति था जिसने हमारे ऊपर फायर की, वो कैद भी हुआ। करीब कितने बजे की घटना है ये? ये करीब 9:20 की घटना है। क्या मानते हो इसके पीछे कोई रंजिश है क्या? अब ये पता नहीं है, जो भी हो नहीं, इससे पहले भी देखा जाए कि आपके घर में आपका जी, इससे पहले भी मेरे घर के अंदर पेट्रोल डाल के मेरे वाहन रखे रहते थे, अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगा दी थी, घर पे भी आग लगा दी गई थी, जिसका मुकदमा भी दर्ज है प्रेमनगर थाने में, अभी तक उन व्यक्ति को अभी पता नहीं चला है और अभी दूसरी घटना हो चुकी है। मैं जानना चाहता हूँ आपसे, इससे पहले जो घटना घटी हुई थी जो आग लगा के घर में आपके पूरा घर के अंदर सामान राख हो गया था, इसकी जानकारी का भी गुच्छा उलझा नहीं है? नहीं, अभी तक कुछ नहीं। इस बार जो घटना फिर दोबारा घटी है, जो बता रहे हो आपकी बंदूकों से वार किया गया, क्या वाकई हमला करने आए थे क्या वो लोग? हमला करने आए। ऐसे कौन है जो आपके दुश्मन, कोई पुरानी रंजिश वगैरह बता रहे हो क्या इसके बारे में? नहीं साहब, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अब पता नहीं कौन कौन दुश्मनी मानता है, अब ये मुझे मैं नहीं कह सकता। साथियों, आप देख सकते हो कि इनके घर पे जो फायरिंग की गई है, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये जो घटना दिख रही है सामने, जो दो बंदूकों की निशान है फायर के, कैमरामैन रोहित के साथ देवेंद्र कुमार संवाददाता, मार्केट संवाद, जिला झांसी।